ओके गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आपको इस तरह की फेस स्मूदिंग सिखाने वाले हैं। यहाँ पे HD फेस स्मूदिंग इसी को कहते हैं। यहाँ पे HD फेस ग्रो कैसे करते हैं आपको सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। एंड गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का पिंपल वाला फेस हम लोग का दिख रहा है अभी। एंड गाइस देख सकते हो स्किन पे कितने अभी यहाँ पे धब्बे हैं एंड दाग हैं। इसको कैसे हटाएंगे एंड यहाँ पे HD में वाइट कैसे करेंगे फेस को, एंड यहाँ पे अभी हम लोग फेस स्मूदिंग कैसे करेंगे HD में, तो गाइस को करना होगा। तो गाइस इस तरह की रेडिंग एंड आपको वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना होगा गाइस, क्योंकि ऐसे रेडिंग के लिए आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे रेडिंग कर सकते हो मेरी तरीके से। HD में फेस स्मूथ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लिप्स पे भी कलर कर सकते हो एंड HD में इस तरह का फेस अपनी भी एडिटिंग कर सकते हो अपने खुद से ऑटोडिक्स ऐप में। एंड गाइस आपको वीडियो स्किप करते हो एक एक पार्ट, मेन पार्ट बता चुका हूँ इस वीडियो में, एंड आपको इस तरह की रेडिंग बहुत ही इजी स्टेप में समझ में आ जाएगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को एंड आपको सब कुछ समझाते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। एंड एक न्यू टूल यूज़ करूँगा फिर से आज मैं, एंड आपको एक न्यू टूल के बारे में बताऊँगा HD फेस स्मूदिंग कैसे करते हैं एंड यहाँ पे HD फेस वाइट कैसे करते हैं। एंड गाइस आपको एक नए तरीके से सब कुछ समझाने वाला हूँ एंड यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ फेस वाइट कैसे करा जाता है पहले। तो गाइज यहाँ पे आपको नए टूल से सब कुछ समझाऊंगा। तो गाइज टूल वाले आइकन पे, सॉरी गाइज टूल वाले आइकन पे नहीं, पहले हम लोग एक लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने के बाद गाइज आपको बैक आना होगा एंड यहाँ पे आप कलर पे क्लिक कर लेना होगा। इसको हम लोग फुल वाइट कर देंगे एंड यहाँ पे अभी ऑफ वाइट है तो इसको फुल वाइट कर लेते हैं एंड यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अब गाइज क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप तो टूल पे आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे टूल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना होगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मिलेगा। तो इसके बाद मीडियम ब्रश एंड यहाँ पे मीडियम मैं पेंट ब्रश 4 की यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप अपने फेस पे ड्रॉ कर लेना, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना एंड आप अपनी फोटो पे नहीं है, लेयर पे रहना। तो गाइज यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं HD में। एंड गाइज आपको इस तरह का ड्रॉ कर लेना होगा पहले स्मूदिंग से एंड आपको बाद में आपको बताऊँगा क्या होगा इससे। एंड इस तरह का ड्रॉ कर लोगे तो आपकी एडिटिंग अच्छी होगी। तो गाइज इसको करके रखो क्योंकि फेस वाइट करना ज़रूरी रहता है स्मूदिंग के पहले। तो गाइज इसको मैंने कर लिया, यहाँ पे देखो तो इस तरह का हो चुका है एंड आप सोच रहे होगे कैसे होता है। तो इसके बाद लेयर वाले पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अपनी लेयर पे क्लिक कर लेना। इसके बाद ब्लेंडिंग मोड जो है उसको हम लोग सॉफ्ट लाइट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट दिख रहा है, इंटरफेस ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसके बाद सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना एंड बैक आना अपनी फोटो पे, देखना कैसा यहाँ पे इंटरफेस हुआ एंड हम लोग ने फेस वाइट कर दिया। गाइज देख सकते हो एक नए तरीके से करके दिखाया हूँ, तो आप भी ऐसा यहाँ पे तरीका ये यूज़ करो एंड अपने ऑटोडिक्स ऐप में फेस को वाइट करो। और उसके बाद स्मूदिंग करने के ट्रिक बताने वाला हूँ एंड अब हम लोग स्मूदिंग के ट्रिक बताएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो गाइज यहाँ पे आप बैक आते हैं टूल वाले आइकन पे, इसके बाद ये वाला टूल है इसको यूज़ करो, स्मूदेड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका फेस वाइट एंड यहाँ पे HD में होगा, HD में फेस स्मूदिंग होगी आपकी फेस की। तो गाइज यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, इसकी सेटिंग पहले दिखा देता हूँ क्या रख रहा हूँ। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेन पार्ट तो यही होता है, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट रखो क्योंकि आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है एंड आप इसको ले लेना स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देख तो ऐसा फ्लो एंड यहाँ पे स्ट्रेंज मैंने रखा है एंड बैक आएंगे अपनी फोटो पे एंड स्मूदिंग स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरह। एंड स्मूदिंग स्टार्ट करते ही देख सकते हो काफ़ी बवाल सा यहाँ पे स्मूदिंग हो रहा है। तो गाइज आप लोग को भी इस तरह का फेस स्मूदिंग करना होगा HD में। तो गाइज आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करोगे, अब मैं मेन पार्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में स्मूदिंग की ट्रिक के बारे में। तो गाइज आप लास्ट तक देखो, मैं बताता हूँ लास्ट में क्या होने वाला है। एंड आप देख सकते हो मैंने स्मूदिंग करके दिखाया है इस वीडियो में एंड आप अपनी वापस से लेयर पे आ जाएंगे व्हाइट वाले पे, व्हाइट वाले लेयर पे आएंगे। इसके बाद इसका ओपेसिटी हम लोग जो है इसका ओपेसिटी इसका कम ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस देगा एंड हम लोग हल्का रखेंगे, वाइट ज़्यादा हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे अपने जो हम लोग ने एक लेयर और एक्स्ट्रा बना के रखी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका हम लोग कलर जो है इसको बैक करेंगे एंड यहाँ पे अब हम लोग लिप्स पे कलर करने वाले, तो इसका हम लोग मीडियम ब्रश यूज़ करेंगे एंड मीडियम ब्रश यूज़ करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे अपने लिप्स पे। आप लोग भी ड्रॉ कर लेना एंड अपनी एक लेयर बना लेना एक्स्ट्रा, बता रहा हूँ गाइस एक्स्ट्रा लेयर बना के रखना क्योंकि मैंने बना के रखी हुई है एंड यहाँ पे इसका ओपेसिटी कम करोगे तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस दिखेगा। तो देख सकते हो इस तरह का हम लोग का लिप्स पे कलर हो रहा है, बवाल लग रहा है गाइस। देख सकते हो इस तरह का फेस हम लोग का वाइट हो चुका है एंड स्मूदिंग भी हो चुकी है गाइस एंड यहाँ पे हम लोग की लिप्स पे भी कलर हो चुका है।
तो गाइज देख सकते हो काफ़ी अच्छी ट्रिक मैंने बताई है। तो गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आती रहती है एंड रोज़ आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।